गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है टेक्नो न्यूज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को दोस्तों हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस मैग्नेटिक डेटा केबल की या फिर चार्जिंग केबल की, जो भी आप लोग कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग तो होगी, साथ ही हम लोग इसे टेस्ट भी करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा मैग्नेटिक डेटा केबल लेना चाहता हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके परचेस करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इस चार्जिंग केबल के बारे में बॉक्स के ऊपर क्या क्या डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-in-1 चार्जिंग, फिर मैग्नेटिक डेटा केबल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिलेगा कि हमें क्या क्या अंदर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है जिसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या अंदर है। तो चलिए हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है और कैसे इसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है दोस्तों USB केबल, चार्जिंग केबल या फिर डेटा केबल, जो भी आप लोग कहो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस डेटा केबल को कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। और दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, काफ़ी ऑसम क्वालिटी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। इसकी क्वालिटी जल्दी ही ख़राब नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो चार्जिंग, तो इसे दोस्तों हम लोग अलग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। और दोस्तों आपके पास इस पिन वाला फ़ोन है USB फ़ोन ये वाला, तो आप लोग दोस्तों इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास दोस्तों टाइप सी वाला है तो भी आपको इसके अंदर और 3 पिन मिल जाती है जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसको निकालना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं ये है दोस्तों टाइप सी के लिए, अगर आपके पास टाइप सी मोबाइल है तो उसके लिए है। और अगर आपके पास दोस्तों आईफोन है तो भी उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक पिन मिल जाती है आईफोन यूज़र के लिए। तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, और इससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास आईफोन है तो इसमें भी आप लोग इसे यूज़ कर पाएंगे, यानी कि आपको 3-in-1 सपोर्ट मिलता है, 3-in चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कुछ ऐसा चार्जिंग केबल है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी सपोर्ट मिलता है कि हम लोग इसे इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों मुझे ये चार्जिंग केबल लगा। और इसकी जो साइज़ है 1 मीटर है दोस्तों ये चार्जिंग केबल। तो अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसको लगा के यूज़ करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये दोनों चिपक रहा है, आप लोग देख लीजिए। और इसकी जो मैग्नेट की क्वालिटी है वो काफ़ी दमदार है दोस्तों, मैग्नेट काफ़ी पावरफुल है। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग साइड में रख देते हैं और अपना जो पोर्ट है उसे ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं। अभी मैं आपको चलिए यूज़ करके दिखाता हूँ कि इसे हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों ये चार्जिंग अडेप्टर ले लिया है। अभी दोस्तों मैं इस केबल को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे हम दूसरे केबल को कनेक्ट करते हैं वैसे ही हमें कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसे हम लगाएंगे अपने बोर्ड में। अब दोस्तों हम लोग इस अडेप्टर को कनेक्ट कर देते हैं अपने बोर्ड में। और आप लोग देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक लाइट जलती हुई दिखेगी, आप लोग देख सकते हैं ये रही दोस्तों लाइट। इसमें आपको लाइट भी मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए मैं थोड़ी सी लाइटिंग बंद कर देता हूँ लाइट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसी लाइट आपको इसके साथ मिल जाएगी इस चार्जिंग पोर्ट में। और जैसे दोस्तों मैंने ये देखा और मुझे चार्जिंग केबल काफ़ी पसंद आ गया और मैंने ले लिया इसे। दोस्तों मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है, आपको लेना हो तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और बेस्ट मैग्नेटिक डेटा केबल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अपने चार्जिंग पिन को अपने मोबाइल में या फिर टेबलेट में लगा लेते हैं। आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में भी आप लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे और दोस्तों ये लग चुका है। अगर आप लोग इसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल चार्जिंग लगाना है, फिर आपको ऐसे पकड़ इसको कनेक्ट कर देना है और आपका जो मोबाइल होगा वो चार्ज होने लग जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टेबलेट है वो चार्ज हो रहा है, 39% हमें दिखा रहा है। अभी दोस्तों मैं इसको निकाल दूँगा तो आप लोग देख लीजिए निकल चुका है। और ऐसे हम लोग छोड़ देंगे तो ये दोस्तों
चार्जिंग होने लगेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास दोस्तों टाइप सी वाला हो या फिर आईफोन हो तो उसमें भी आपको पिन मिल जाती है जिसे लगा कि आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई बड़ी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।